हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कार्डियल। इस टॉपिक में हम जानेंगे कार्डियल क्या होता है, कार्डियल का स्पेसिफिकेशन क्या है, कार्डियल की रेसिपी क्या है, कार्डियल को कैसे बनाते हैं और कार्डियल बनाते समय क्या क्या सावधानियां और इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत होती है। तो आओ शुरू करते हैं कार्डियल। तो कार्डियल क्या है सबसे पहले जानते हैं। कार्डियल एक स्पार्कलिंग क्लियर स्वीटेंड फ्रूट बेवरेज है। स्पार्कलिंग का आशय होता है कोई भी ऐसा बेवरेज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण किया गया हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सिलेंडर से या हम खाने वाले सोडे से देते हैं, इसीलिए इनको जो है पहले सोडा बेवरेज भी बोलते थे। ये क्लियर होता है, क्लियर का अर्थ हुआ कि इसमें कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल नहीं होता है और ये स्वीटेंड होता है। आगे देखेंगे तो जो भी जूस होगा उसमें पल्प या पल्प के पार्टिकल को हमें कम्प्लीटली रिमूव कर देना चाहिए। लेमन और लाइम जूस के जो कार्डियल्स हैं वो मार्केट में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं और लोग इनका प्रयोग करते हैं। जनरली ये सिट्रस फ्रूट से बनाया जाता है, जितने भी सिट्रस ग्रुप के लाइम और लेमन, खासकर इनसे जो है कार्डियल का निर्माण किया जाता है। इसमें वाटर, शुगर या शुगर सब्स्टिट्यूट को भी ऐड किया जा सकता है। कार्डियल को जनरली हम जो है अल्कोहलिक बेवरेज के साथ मिक्स करके हम कंज्यूम करते हैं और ये यूएसए में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। जो अल्कोहलिक बेवरेज जैसे जिन है तो जिन में कार्डियल को मिक्स करते हैं। अगर फसाई का स्पेसिफिकेशन देखें कार्डियल का, तो सबसे पहले मिनिमम फ्रूट कंटेंट जो है इसमें 25% फ्रूट जूस होना चाहिए। मिनिमम TSS 30 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। जहाँ आपका स्क्वैश का TSS 40 डिग्री ब्रिक्स था, वहीं पे कार्डियल का TSS जो है वो 30 डिग्री ब्रिक्स है, जिसे हैंड रिफ्रेक्टोमीटर की सहायता से हम माप सकते हैं। एसिडिटी 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ए एनहाइड्रस सिट्रिक एसिड। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिजर्वेटिव की जो मैक्सिमम लिमिट है, सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजोइक एसिड को हम यूज कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड 350 ppm और बेंजोइक एसिड 600 ppm। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से जब हम प्रिजर्व करते हैं तो अगर हम इसे हीट कर देते हैं तो ये गैस निकल जाती है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है प्रिजर्वेशन के लिए ज़्यादा यूज की जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट को कार्डियल में परमिशन नहीं दी गई है, यानी आप कोई भी सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट जैसे सेकरीन है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फर्मेंटेड टेस्ट, हमेशा फर्मेंटेशन का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि अनफर्मेंटेड बेवरेज है जैसे नेक्टर हो गया, कार्डियल हो गया, RTS हो गया, वैसे स्क्वैश हो गया, ये सारे जो हैं ये अनफर्मेंटेड बेवरेज हैं और 37 डिग्री सेल्सियस पे ये टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का फर्मेंटेशन जो है वो परमिसेबल नहीं है। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट की अगर बात करें तो कोई भी जो इसका टेस्ट और फ्लेवर है, फ्लेवर में खुद ही टेस्ट एरोमा फील आता है, तो टेस्ट एरोमा फील जो है वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए, उसका फ्लेवर जो है विटर नहीं होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट को एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एमेराइन, उन्होंने एक हेडोनिक स्केल बनाई, 9 point हेडोनिक स्केल थी और इस स्केल से जो है उन्होंने क्वालिटी आप जो है फ्रूट बेवरेजेस को मापा, या जितने भी प्रोसेस प्रोडक्ट होते हैं इसी स्केल से उनकी क्वालिटी को मापा जाता है, क्योंकि क्वालिटी आर द क्वालिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई नंबर। सो एमेराइन ने क्या किया, एक हेडोनिक स्केल का निर्माण किया और इसमें जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी भी फूड प्रोडक्ट को एक्सट्रीमली लाइक करता है तो उसके लिए 9 point रखे गए, अगर वेरी मच लाइक करता है तो 8 point रखे गए, मॉडरेटली लाइक करता है तो 7 रखे गए, स्लाइटली लाइक करता है तो 6, नाइदर लाइक और नॉट डिसलाइक करता है तो 5 point रखे गए, डिसलाइक स्लाइटली 4, डिसलाइक मॉडरेटली 3, डिसलाइक वेरी मच 2 और डिसलाइक एक्सट्रीमली 1। तो ज़्यादातर 7 लाइक मॉडरेटली तक जो क्वालिटी रहती है वो सेटिस्फैक्ट्री रहती है। हालांकि बाद में इस स्केल के भी काफ़ी दोष आए, वो किसी अन्य लेक्चर में आपको बताया जाएगा। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं या कौन कौन से बर्तन हैं जो हमें कार्डियल बनाने के लिए रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले हमें लेमन और लाइम की आवश्यकता होती है जिससे हम कार्डियल बनाते हैं। इसके अलावा हमें मोर्चे रहित स्टेनलेस स्टील के चाकूओं की ज़रूरत हो सकती है, जूसर या स्क्रू टाइप के जो जूस एक्सट्रैक्टर होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो हमारे बर्तन हैं कुकिंग और मिक्सिंग करने के यूटेंसिल्स हैं उनकी भी हमें ज़रूरत होगी।
ग्लास बॉटल्स इसे भरने के लिए कैप्स की ज़रूरत होगी, क्राउन कार्किंग मशीन की ज़रूरत होगी, स्टरलाइजेशन टैंक एक्सेट्रा की ज़रूरत होगी, जैसे कि इस केस में ज़रूरत होती है। अगर रेसिपी देखें कार्डियल की, तो लेमन और लाइम का जूस 1 लीटर अगर आपके पास है, तो आपको शुगर चाहिए 1.4 kg, वाटर चाहिए 1.6 लीटर और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड चाहिए 1.5 ग्राम। तो ये कुछ प्रोडक्ट भी हैं जो मार्केट में आते हैं कार्डियल के। अब देखते हैं कार्डियल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें फल का सिलेक्शन करना है, अनराइप फ्रूट का सिलेक्शन ना करें क्योंकि फ्लेवर ऑफ टाइप हो जाता है। इसके बाद इनको वॉश करके सॉर्ट कर लेना चाहिए, और सॉर्ट करने के बाद जो है इसे 2 पीसेस में काट देना चाहिए। इसे स्टेनलेस स्टील की सहायता से भी काट सकते हैं, और मशीनरी के द्वारा भी इसको जो है 2 फाकों में या हाल्फ में बांटा जाता है। इसके बाद इसका जूस को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस जूस को हम छान लेते हैं। छानने के बाद जूस का हम क्लेरिफिकेशन करते हैं, या तो कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, या कुछ सबस्टेंसेस हैं ऐसे जिनको मिला के जूस को क्लेरिफाई किया जाता है। अब दूसरी ओर जो है हम जूस सिरप का निर्माण करेंगे। तो सिरप का निर्माण सेम स्क्वैश की तरह ही करना है। शुगर, वाटर और सिट्रिक एसिड को ले लेते हैं, अगर सिट्रिक एसिड की रिक्वायरमेंट है तो लेते हैं। अगर पहले से ही लेमन या लाइम में सिट्रिक एसिड एसिडिटी अगर सफिशियंट है, तो सिट्रिक एसिड की काफ़ी कम आवश्यकता या कभी कभी आवश्यकता नहीं भी होती है। इसके बाद हम इसको हीटिंग करते हैं केवल डिजॉल्व करने के लिए, और उसके बाद सिरप को हम प्रिपेयर कर देते हैं। इस सिरप को जो है और जो हमारे पास क्लेरिफाइड जूस है आपस में मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद इसमें हम क्या प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को भी डाल सकते हैं, या फिर फ्लेवर्स भी ऐड कर देते हैं। अगर हम फ्लेवर आर्टिफिशियल ऐड कर रहे हैं कार्डियल्स में, तो इसका जो हम लेवल करेंगे, पैकिंग करेंगे, तो रैपर के ऊपर हमें लिखना पड़ेगा कि किस फ्लेवर को हमने यूज किया है और वो परमिसेबल है या परमिसेबल नहीं है। आपको सारी डिटेल कंज्यूमर को देनी पड़ेगी। इसके बाद इसे अच्छी तरीके से होमोजेनाइज करने देते हैं, और होमोजेनाइज करने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पे कूल करके रख लेते हैं। फिर आप देखेंगे इसका डिएरेशन करना होता है। डिएरेशन क्योंकि बहुत सारी ऑक्सीजन की मात्रा इसमें पहुंच जाती है, तो इससे एयर को निकाल देना चाहिए, जिससे कि इसकी प्रोसेसिंग क्वालिटी, जो स्टोरेज क्वालिटी है, वो डिटियोरेट नहीं हो पाए, ख़राब नहीं हो पाए। इसके बाद इसकी क्राउन कार्किंग मशीन से लिटिंग कर देते हैं और लेवल करके स्टोरेज कर लेते हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर देखा जाए, तो अगर फ्रूट जूस को हमको लंबे समय तक स्टोर करना है, तो 1 ग्राम पर लीटर की दर से KMS को हम मिला सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें सस्पेंडेड जो पार्टिकल सॉलिड्स हैं या कोई भी पेक्टिन का मटेरियल है, उसको या तो हम सेट डाउन होने देते हैं, या फिर हम क्या करने देते हैं, कमर्शियल एंजाइम प्रिपरेशंस कुछ होते हैं जैसे पेक्टिनेज और हाइड्रोलाइज पेक्टिन से इसको जो है क्लेरिफाइड कर लेते हैं। क्लेरिफाइड जूस को ही हमेशा कार्डियल प्रिपरेशन में यूज करना चाहिए, और जूस को जो है एंजाइम जो हाइड्रोलाइज पेक्टिन या पेक्टिनेज एंजाइम है, उनके अलावा जो है टैनिन या जिलेटिन मिक्सचर से भी हमें ट्रीट कर देंगे, तो जूस का क्लेरिफिकेशन हो जाता है। जूस के क्लेरिफिकेशन पे एक अन्य वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जूस के क्लेरिफिकेशन की कैसी प्रोसेस होती है। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, आप देख रहे हो हैंडमेड। अगर आपको घर में कॉर्डियल का निर्माण करना है, अपने किचन में करना है, तो ऐसे जूस एक्सट्रैक्टर आते हैं, और ये कमर्शियल लेवल का जूस एक्सट्रैक्टर है जो सिट्रस फ्रूट से जूस को निकालता है। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने कॉलेज के ग्रुप में पूछ सकते हैं कि ये हमें परेशानी है या हमें डाउट है। धन्यवाद।